जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है बालाजी माइंस, जो लगभग टॉप से 55% डाउन है, दो ढाई साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, नेगेटिव में 55% दिया है, एक मेजर सपोर्ट के पास में है और इसको ब्रेकआउट कब हो सकता है, इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेकआउट आने के बाद में एक अच्छा मूवमेंट अच्छी रैली आ सकती है। तो इसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपन टेक्निकल चार्ट पे। ये बालाजी माइंस का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि एक अच्छा बुल रन था, ये इसमें बुल रन था, तो ये एक साइडवेज कंसोलिडेट फेज है जिसको अपने को फेस करना होगा। जब भी कोई भी स्टॉक में पांच मतलब के दो गुना पांच गुना ऐसे स्टॉक हो जाता है, क्योंकि देखिए इसमें प्राइस के लगभग ₹500 के लगभग वातावरण 5000 गया था, मतलब 10 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया था, उसके बाद में एक डाउन ट्रेंड आया है। तो डाउन ट्रेंड में क्या सिग्नल होता है, अपने को पता है कि लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होते हैं, इस तरह से डाउन ट्रेंड के सिग्नल होते हैं। अब ट्रेंड का हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न होता है, तो इसमें आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहा है, तो इसमें एक बार भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी नहीं बनी है, एक बार भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है। अब यहां पर क्या है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पर क्यों रुक रहा है बार बार, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल है, अभी डाउन ट्रेंड ये, इसमें कोई भी अच्छा मूवमेंट नहीं आएगा जब तक कि ये यहां से देखो रेजिस्टेंस, देखो यहां से वापस आया है, क्यों आया उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां से रिवर्स हुआ है तो क्यों आया, मैं एक जोन डिसाइड करते हैं, देखिए जो इसको ये, अब देखिए जो ये यहां पर रेजिस्टेंस लिया है तो क्यों लिया, ये रेजिस्टेंस पहले देखो एक सपोर्ट था, एक बार दो तीन बार इसने सपोर्ट लिया था एग्जैक्ट उसी का, जो एक मेजर रेजिस्टेंस जो मेजर सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। प्राइस कितनी है, लगभग प्राइस कह सकते हो कि मतलब कि 2750 के लगभग है। जब तक 2750 को ये ब्रेक नहीं कर देता तब तक इसमें कोई भी अच्छा मूवमेंट आने की अपसाइड में जाने की अपने को सोचना ही नहीं है, जब तक कि ये इसको ब्रेक करेगा, और अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो इसमें अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। क्लियर फंडा है इसको अपने को, इस तरह से मेरे हिसाब से ये चीजें इसमें काम कर सकती है। अब देखिए ये डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में देखिए डाउन ट्रेंड में एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है, क्यों सपोर्ट बना हुआ उसको भी देख लीजिए, यहाँ पर एक सपोर्ट था वो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू अपन देखने की समझने की कोशिश करते हैं कि उसकी रिट्रेसमेंट कितनी है। लगभग 61% की रिट्रेसमेंट है, फिबोनाची की रिट्रेसमेंट 61% रिट्रेसमेंट है, एग्जैक्ट वहीं से ये रिवर्स हुआ है, ठीक है। तो इसको इस जोन बना हुआ है, एक जोन देख सकते हो आप, इसको पार करेगा तब अच्छा मूवमेंट आएगा, नहीं तो कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा। इसको ब्रेक करने के बाद, अब ब्रेक करने की भी दो कंडीशन है, देखिए समझिए, अगर ये यहाँ पर सपोर्ट लेके यहाँ डायरेक्ट इसको ब्रेक कर देता है तो इसमें कोई अच्छा मूवमेंट नहीं, वापस ये फेल हो सकता है, लेकिन अगर इसको ये ब्रेकआउट करेगा, इस तरह से ब्रेकआउट और पुलबैक पैटर्न आ जाता है, यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी जो भी इस तरह की कोई बुलिश इनगल्पिंग है, बुलिश हरामी पैटर्न है, इस तरह की कोई बाइंग टीआरसीपी बन जाता है तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी, ये ठीक है, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस था और सपोर्ट का काम करेगा। मान लीजिए इसको ब्रेक अचानक नहीं करके इस जगह कंसोलिडेट हो जाता है, इस जगह लगभग 1-1.5 महीने रुक जाता है फिर ब्रेक करता है तो भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से जो ब्रेकआउट पुलबैक पैटर्न वाला है वो अच्छा काम करना चाहिए, ये इसकी पॉसिबिलिटी इसमें कभी कभार दिक्कत भी कर देता है, इसमें मतलब फेल भी हो जाता है, अचानक कोई ग्रीन कैंडल अच्छी ऐसे बनती है तो वो मतलब कह सकते हैं कि फेल होने की संभावना है, लेकिन इसको यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेके एक कंसोलिडेट एक जोन बनाएगा फिर ऊपर जाता है तब अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें एक देखा जा सकता है। अब बात करते हैं इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल के बारे में आते हैं। देखिए बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो बिजनेस मॉडल केमिकल सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है, फार्मा की दवाइयां बनाती है, स्पेशल केमिकल का भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पेस्टिसाइड होता है जो कीटनाशक दवाइयाँ आती हैं उनमें के लिए है, और पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज के लिए भी है, कीटनाशक जो होते हैं कीड़ों को मारने के लिए, तो इस तरह के ये इसमें मेथाइलिन इथाइलिन डेरिवेटिव स्पेशल केमिकल और फार्मास्यूटिकल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग यूज में किया जाता है। देखो स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है क्योंकि मार्केट कैप इसका ज़्यादा नहीं है, 75-52 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस की बात करें तो 23-31 है, हाई गया इसका 27-36 है, लो गया 1960 है, स्टॉक भी है 36 है, आर ओ सी इसका 18 है और आर ओ ई इसका 12% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है, तो ये तो इस तरह का इसका डाटा है। अब देखिए इसमें
क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो इसमें सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट में अपन देखते हैं। तो इसमें देखो जून सितंबर दिसंबर मार्च तक का है, तो सितंबर दिसंबर मार्च का देखेंगे तो देखो इसमें बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ रहा है तो एक, अगर साइडवेज कंसोलिडेट है तो साइडवेज रहेगा। देखो इसमें 381 है, बाद में 383 है, बाद में 414 है, तो ये बढ़ा है थोड़ा। एक्सपेंडिचर की बात करें तो इस तरह से है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं इसमें अपन। नेट प्रॉफिट में देखो बढ़ के तो आया 36, 56 और 72 है, तो ये बढ़ के आया है। अदर इनकम का सोर्स है वो 8 से 9 है, तो वो कोई ज्यादा है नहीं। अपन इसमें ज्यादा देखेंगे ना, इसका बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न भी 53 है, 4 है, 1 है, 39 इसका ये है, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर 1,38,000 के लगभग नंबर ऑफ लोग इसमें इन्वेस्ट है। अब देखिए थोड़ा सा इसकी बैलेंस शीट देखिए। बैलेंस शीट 6 करोड़ का इसका डेट, इसका कर्जा अर्जा तो देखिए ज्यादा है नहीं, 20 करोड़ का ही है, तो कंपनी ठीक है। अब इसको वापस अपन चार्ट पर चलते हैं। देखो इसमें थोड़ा सी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है क्वार्टरली रिजल्ट में, लेकिन क्या है कि ज्यादा इंप्रूवमेंट है लेकिन कंपनी को कुछ और दिखाई दे रहा है। मतलब कि है, हो सकता है कि इसमें अबकी बार मेन चीज है, अबकी बार अगर क्वार्टरली रिजल्ट, ये जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे जून के, वो अगर अच्छे आ जाते हैं तो उसके बाद में अच्छा मूवमेंट आएगा। नहीं आते हैं तो हो सकता है कंसोलिडेट करें। और लगभग आप देख सकते हो कि ये सितंबर 21 आपको याद होगा, 20 सितंबर की बात है या 19 सितंबर की बात है, वो 2021 में मार्केट एक बुलरन टॉप लगाया था। उसके बाद में ये मार्केट में इंडेक्स में आप देखो इसमें बाद में करेक्शन आई थी, ठीक है। तो इसी तरह से मार्केट टॉप लगा दिया, टॉप हाई है, टॉप लगाता जा रहा है, लेकिन स्टॉक में इसमें नीचे की तरफ कोई भी अच्छा ऊपर की तरफ कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो कुछ ना रीजन होगा, 5-10 गुना हो चुका था। अभी देखें, इस वीडियो का कंक्लूजन निकालें तो अभी देखें तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। इसमें कोई भी मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई। इसको ब्रेक करने के बाद में एक यहाँ पर आपको हर्डल मिलेगा और फिर बाद में ये हर्डल मिलेगा, ठीक है। तो ये अपने को लेवल इस तरह से आप देख सकते हो। अभी मैं इसका वीडियो का मकसद यही है कि साइडवेज है, जब तक ये कंसोलिडेट करेगा तब तक अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। ब्रेकआउट है, नीचे ये लेवल किसी भी सूरत में नहीं टूटना चाहिए। अब नीचे ऊपर के तो हमने देख लिया, नीचे का देख लिया, इस सुर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए। पहली बात, ब्रेकडाउन कर दे, मान लीजिए ब्रेकडाउन कर दे तो बाइंग की कैंडल बन सकती है वापस। लेकिन अगर ब्रेकडाउन नहीं करे, इस तरह से नीचे की तरफ आए, तो फिर बाद में अच्छा ब्रेकडाउन पुल बैक पैटर्न आके फिर नीचे की तरफ आए, तब इसमें और मतलब नीचे की तरफ मूवमेंट आ सकता है। नहीं तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया तो हो सकता है, अगर क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आ जाता है तो इसमें इंप्रूवमेंट दिखाई दे सकता है। इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति दे सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं। उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया। किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।